जय श्री राधे। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दान घाटी। दान घाटी ये गोवर्धन का क्षेत्र है, यहाँ पर ये दान घाटी है। और दान घाटी में जो विशेषता है, ये विशेषता है कि भगवान जो कृष्ण थे, और जब ग्वाल बाल गोपियाँ जो मक्खन था, माखन मिश्री का जो प्रसाद था, उसको लेके कंस के लिए जाती थी, तो कंस के लिए जाती थी तो भगवान कृष्ण उनको यहाँ पर रोक लेते थे और उनसे माखन मिश्री का दान लिया करते थे। तो इस कारण से इस जगह का नाम दान घाटी पड़ा हुआ है। और जो गोवर्धन की जो परिक्रमा है सात कोस की, तो यहीं से प्रारंभ होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो आने के पश्चात यहाँ पर दूध दही घी है क्या भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही हम परिक्रमा शुरू करते हैं। तो ये दान घाटी के आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा अपने ब्रज रस चैनल के माध्यम से, और आप पूरे दर्शन करिए और आनंद लीजिए मेरे साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ से ही भगवान का प्रसाद मिलता है, और यहाँ से प्रसाद लेके हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके भगवान के भव्य दर्शन करेंगे। और हम अब आ गए हैं अंदर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भक्त भगवान की पूजा भी कर रहे हैं अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री गिरिराज महाराज विराजमान मुखारविंद दान घाटी गोवर्धन। तो यहीं पर हम अंदर जाते हैं और यहाँ पर ही भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद ही हमारी परिक्रमा आरंभ करते हैं। यहाँ का विशेष महत्व ये है, जब तक हम यहाँ की पूजा नहीं करते, भगवान को दूध दही का दान नहीं देते, तब तक हमारी परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। और भी मैं आके यहाँ आपको अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं उनके दर्शन करवाऊँगा। अंदर यहाँ पे एक शिवलिंग भी है जो कि काफ़ी फेमस है, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो हम आप आ गए अंदर, और अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अनेक देशों से, अपने उत्तर प्रदेश से, अनेक देश प्रांत से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान को यहाँ पर दूध दही का दान चढ़ाते हैं, उसके बाद ही परिक्रमा के लिए आरम्भ करते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर, बारी बारी से सब लोग इसका नंबर आता है, वही भगवान को प्रसाद अर्पण करता है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे गिरिराज महाराज के, और देख रहे हैं यहाँ पे भक्तगण भगवान को फूल चढ़ा रहा है, कोई दूध दही जो भी अपने प्रसाद भगवान के लिए लाते हैं वो यहाँ भगवान को अर्पण करते हैं, और उसके बाद ही परिक्रमा के लिए आरम्भ करते हैं। तो अब हमने दूध दही का प्रसाद यहाँ पर आपको दिखाया, इसके पश्चात ये जो दान घाटी है क्षेत्र की जो परिक्रमा है, हम उसके आपको दर्शन कराते हैं। श्री श्रीनाथ श्रीनाथ जी का जो दर्शन है, मंदिर है बना हुआ है अंदर ही दान घाटी के, जो श्रीनाथ जी के आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं, जो पैसा जो भगवान के लिए अपनी श्रद्धा से जो अर्पण करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ के कर्मचारी हैं जो पैसे को जो आता है उसको गिनते हैं, और यहाँ की सेवा में भगवान की में प्रसाद में भोग में घी बत्ती में एक पैसा है क्या है लगाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम आपको अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, और आप दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर एवं भव्य है ये। कामेश्वर नाम के महादेव हैं ये, जिस भक्ति की जो कामना होती है उसको ये पूर्ण करते हैं। भक्तों, जब भी आपके मन में विचार आए कि हमको भगवान की परिक्रमा करनी है, गोवर्धन नाथ की, जो गोवर्धन जो मंदिर है, जो पर्वत है, ये सात कोश में फैला हुआ है, और भगवान कृष्ण ने इसको अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया था, क्योंकि जब इंद्र था, इंद्र ने जब देखा कि जो गांव के ग्वाल वाले हैं जो मेरी पूजा को नहीं कर रहे हैं, और ये कृष्ण के कहने पर जो गिरिराज महाराज का जो पूजा कर रहे हैं, मेरा पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान इससे इनसे गांव के ग्वाल वालों से रुष्ट हो गए, और उन्होंने सात दिन सात रात्रि तक बारिश करी, और जिस बारिश के करने से जो गाँव वालों को ग्वाल वालों को जो हानि हुई, तो भगवान इस गिरिराज महाराज की शरण में आए और सभी ग्वाल वालों की सुरक्षा करी। तभी से यहाँ का विशेष महत्व ये हो गया है कि जो भी गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा करते हैं भक्त,
अनेक देशों से प्रांतों से आते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने मन को शांति मिलती है, मनों की जो कामना है वो पूर्ण करते हैं गिरिराज महाराज। और यहाँ पे आप अनेक प्रकार की झांकियाँ देख रहे हैं, जुगल छवि की झांकी है ये, भगवान कृष्ण के साथ में अष्ट सखियाँ गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं, बहुत सुंदर एवं भव्य है ये मंदिर। यहाँ पे भगवान की जो अनेक बाल लीलाएँ हैं उनको दिखाया गया है, भगवान जो लीलाएँ करते थे वो दिखाई गई हैं। और विशेष तो उसका यही है कि इसको दान घाटी इसीलिए माना गया है, पहचाना गया है, जो गांव की जो गोपियाँ थीं वो तंश के लिए माखन मिश्री लेके जाती थीं, तो भगवान कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे गांव की जो गोपियाँ हैं कि माखन मिश्री का प्रसाद कंस के लिए लेके जाएं, तो भगवान उनसे प्रसाद को छीन लेते थे, और नहीं तो भगवान क्या करते थे, उनकी मटकियों को फोड़ देते थे, उनसे क्या गोरस का मक्खन का दान लिया करते थे। आप मेरे चैनल के साथ और भी वीडियो देखेंगे। राधे राधे।